आदेश था सर कि हमें चारा उत्पादन में भी हमारी फोकस होनी चाहिए, जिसको हम अमानक मानते हैं वो है सर मॉइस्चर कंटेंट। कोरिया में सर 7 गोठानों में केवल 10 लाख की लागत लगी सर, लेकिन उनका जो आउटपुट है हल्दी प्रोडक्शन में वो है सर 42 लाख। तो हर गोठान को सर कम से कम 6 लाख वैसे ही प्रॉफिट आ गया है सर। हमारे विभाग के और अधिकारी डॉक्टर जगदीश सोनकर जी, आदरणीय परदेशी साहब, मुख्यमंत्री जी की ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। लगातार आप समीक्षा आपने किया, लगातार हम लोगों ने समीक्षा किया, लगातार माननीय मुख्य सचिव जी ने समीक्षा किया, और जिस तरीके से गोठान का निर्माण लगातार हो रहा है। पिछले बार जब आए थे तो 3200 के करीब एक्टिव गोठान थी, अब उसकी संख्या में विस्तार हुआ है, और जो निर्मित गोठान है वो 5600 से भी अधिक हमारे यहाँ हो चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत हम गोबर की तो खरीदी कर रहे हैं और ये भुगतान गोपालकों के खाते में जा रहा है। सौभाग्य देखिए, आपने हरेली के दिन इस कार्यक्रम को शुरू किया था और आज केवल 7वीं किस्त के रूप में हो रहा है और गोपालकों के खाते में लगभग 50 करोड़ रुपया, 47 करोड़ 38 लाख रुपया उनके खातों में आपके द्वारा हस्तांतरण किया गया है। इससे निश्चित रूप से जो गोबर संग्राहक है उसके खाते में पैसे जा रहा है और लोग इसे प्रसन्नता भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जब आप वर्मी कंपोस्ट के जब पैसा पूरी तरह से आना शुरू होगा और वो जब आप लोगों को वितरित होगा, तो हमारी जो बहनें हैं जिन समिति के द्वारा निर्माण हो रहा है तो उसके घरों में भी खुशियां आएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेनिंग का, जितने भी गोबर कलेक्शन से लेके वर्मी टांका में डालना, उसे पलटना और उसमें केचुआ डालना, और अभी डिकम्पोज़र के भी ट्रेनिंग, और उसके बाद उसे सही मानक के साथ उसे बोरों में भरना, और उसके बाद सोसाइटियों में पहुंचाना या कृषकों को बेचना। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इसे हम लोगों को कंप्लीट करना है। जहाँ जहाँ गौठान बन चुके हैं या जहाँ निर्माणाधीन हैं उसे कंप्लीट तो करें, लेकिन जो पहले बन चुके हैं इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा की। दूसरा, जो अभी निर्माणाधीन है उसमें तेज़ी लानी चाहिए। तीसरा, जहाँ अभी गौठान नहीं बने हैं तो या वहाँ देख लें कि किन कारणों से नहीं बन पा रहा है, कि ज़मीन की उपलब्धता है कि नहीं है, कि कोई आपसी विवाद तो नहीं है, कि राशि की कहीं कमी तो नहीं है। इन सब को देखते हुए गौठान निर्माण के काम में भी तेज़ी लाना चाहिए।